नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेक्शन 144 पे, ठीक है। पेपर टू में भी डाल सकते हो, डेट्स पार्ट ऑफ सीआरपीसी आईपीसी क्रिमिनल लॉ जस्टिस, ठीक है। या पेपर थ्री में भी डाल सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी डेट इज रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एक्सेट्रा थ्रू यूज ऑफ सेक्शन 144। तो इसकी न्यूज़ तो आप बहुत सुनते होंगे कि किसी स्टेट में जो है सेक्शन 144 लगा दिया गया, ठीक है। तो एक रिपोर्ट जो है बनाई गई रिगार्डिंग यूज एंड मिस यूज ऑफ सेक्शन 144 इन दिल्ली इन लास्ट वन ईयर। उस रिपोर्ट को जो है हमारे फॉर्मर सीजीआई यूयू ललित ने जो है रिलीज किया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं कि सेक्शन 144 क्या है, ठीक है। तो सेक्शन 144 जो है सीआरपीसी का पार्ट है, सीआरपीसी 1973। तो ये बेसिकली कॉलोनियल हेरिटेज है हमारी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इस सेक्शन को जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पार्ट बनाया था, ठीक है। और इस सेक्शन के थ्रू वो बेसिकली इंडियंस को कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि वो जो है कोई एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज ना करें। एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी इन द सेंस कि कोई आजादी की डिमांड ना करे, कोई फ्रीडम की डिमांड ना करे, इंडिपेंडेंस की डिमांड ना करे। क्योंकि लोग जब सड़कों पे इकट्ठा होते थे, ठीक है, रैलीज करते थे या धरने प्रदर्शन करते थे, ठीक है, या वो प्रोसेशंस चलाते थे, ठीक है, जुलूस निकालते थे एंड सो ऑन, ठीक है, या सड़क पे बैठ जाते थे या चक्का जाम करते थे, तो उस केस में जो है सेक्शन 144 जो है ब्रिटिशर्स लगाते थे, ताकि जो ये पब्लिक गैदरिंग हुई इंडियंस की उसको डिस्पेल किया जा सके, समझे। दैट्स व्हाई दिस सेक्शन 144 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और इसमें आई थिंक आप सभी को पता है कि क्या किया जाता है कि चार से ज्यादा लोगों की गैदरिंग जो है प्रोहिबिट कर दी जाती है। अगर किसी एरिया में सेक्शन 144 लगाया गया है तो वहां पे चार या चार से ज्यादा लोगों की गैदरिंग जो है प्रोहिबिट हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए राजेंद्र नगर में अगर सेक्शन 144 लग जाए, तो जब आप क्लास के बाद इकट्ठे हो जाते हो और चाय पीते हो, ठीक है, तो वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, डेट विल बी एन इलीगल एक्ट, समझे। तो चार या चार से ज्यादा जो है पर्सन गैदर नहीं हो सकते, और ऐसी प्रोबिशन जो है कहां पे लगाई जाएगी, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, ठीक है, कहां कहीं पे कोई रॉयट्स हो रहे हैं, कोई वैंडलिज्म हो रहा है, ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट थे वो वायलेंट हो गए, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, या कोई अटैक हो सकता है बाय द इंसर्जेंट्स ऑन एनी स्टेट प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। तो कोई भी अगर अंदेशा है लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस का, तो वहां पे जो है ये सेक्शन 144 लगाया जाता है। कि चार से ज्यादा लोग अगर घूम रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनके कोई नेक इरादे नहीं थे, कोई वो बारात में नहीं जा रहे थे, ठीक है, कोई जो है वो रैली नहीं निकाल रहे थे, ठीक है, और ये मान लिया जाएगा कि वो इकट्ठे इसलिए हुए थे ताकि अराजकता एनार्की क्योस जो है वायलेंस जो है वो प्रमोट कर सके, आई समझ। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि जो सेक्शन 144 में लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट जो है पीस ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मैजिस्ट्रेट डीएम, ठीक है, यहाँ पे डीएम है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ठीक है। तो डीएम जो है पीस ट्रैंक्विलिटी और नॉर्मलसी ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए कोई भी ऑर्डर जारी कर सकता है, किसी भी पर्सन को कोई भी एक्ट करने से रोक सकता है, ठीक है, और किसी भी पर्सन को कोई एक्ट करने के लिए बोल भी सकता है, समझे। तो पीस ऑर्डर बनाए रखने के लिए किसी भी पर्सन को कोई एक्ट करने के लिए रोक सकता है और कोई भी एक्ट करने के लिए बोल भी सकता है, समझे। तो फॉर एग्जांपल कि आपकी ड्राइविंग पे बैन लगा दी जाए, योर एक्ट ऑफ ड्राइविंग पे प्रोहिबिशन लगा दी जाए कि आप सड़कों पे ड्राइव ही नहीं कर सकते, अकेले भी नहीं कर सकते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उस कार में जो है एक्सप्लोजिव लेके जा रहे हो, और मान लीजिए पुलिस के काफिले पे जाके जो है उसके पास जाके जो है फुल स्पीड पे कार को जो है पुलिस के काफिले पे क्रैश करवा दो, खुद भी मरो और साथ में और लोगों को भी लेके मरो। या फिर ये सोचते कि पूरी कार जो है स्पीड पे चलाई और खुद गिर गए और उसको जो है डीएम के ऑफिस में मारा या सीएम के ऑफिस में मारा, इजन इट, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो कोई भी एक्ट आपका प्रोहिबिट किया जा सकता है, या कोई भी एक्ट आपको किए जाने के लिए
बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल भी जिन जिन लोगों के घरों में सीसीटीवी है वो ऑन रखे और उसकी रिकॉर्डिंग ओपन रखे, ऑन रखे रिकॉर्डिंग भी, तो ये एक्ट आपको किए जाने के लिए बोला जा सकता है। आपको बोला जा सकता है कि आपको कोई भी जो है खबर मिलती है किसी भी पर्सन की जो कोई अनसस्पिशियस कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करने वाला है तो उसकी खबर जो है तुरंत पुलिस को दी जाए, तो ये एक्ट आपको करने के लिए बोला जा सकता है, समझे। आपको बोला जा सकता है कि आप जो है कोई नया रेंटियर नहीं रखोगे ड्यूरिंग दी पीरियड इन विच एक्ट सेक्शन 144 इज बींग इम्पोज्ड। कोई आप कोई नया रेंटियर रखोगे तो पॉसिबिलिटी कि कोई इंसर्जेंट आपके घर रह रहा हो, कोई टेररिस्ट आपके घर रह रहा हो, तो आपको बोला जा सकता है कि कोई नया किराएदार आप नहीं रखोगे, समझे। तो कोई भी एक्ट करने से आपको रोका जा सकता है और कोई भी एक्ट आपको करने के लिए बोला जा सकता है इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस ट्रांक्विलिटी और लॉ ऑर्डर और नॉर्मेलसी, ठीक है। आई समझ। तो यानी सेक्शन 144 का जो स्कोप है वो वाइड है या नैरो है? काफी वाइड है, काफी ब्रॉड है, समझे। इवन पीस नॉर्मेलसी मेंटेन रखने के लिए जो है इंटरनेट को भी बैन किया जा सकता है अंडर दिस एक्ट, और किया भी जाता है। आपने देखा होगा ना कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरनेट बैन करते हैं, और वो किस सेक्शन के अंदर करते हैं, सेक्शन 143, क्योंकि उस इंटरनेट का इस्तेमाल जो है पीस ट्रैक्विलिटी को डिस्टर्ब करने के लिए भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि उसी इंटरनेट का इस्तेमाल आप करोगे टू स्प्रेड फेक न्यूज, ठीक है, हेट स्पीचीज या इन्फ्लेमेटरी स्पीचीज जिससे लोग भड़क जाएं और हथियार लेके अपने घरों से बाहर निकलें और एक दूसरे की जान पे आतुर हो जाएं, दैट्स वाई इंटरनेट इज बैंड अंडर दिस सेक्शन, क्लियर। तो मेरा पर्पज यही था ये डिस्कशन करने का कि कई बार हम सेक्शन 144 को क्या मान लेते हैं कि जस्ट अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ गैदरिंग ऑफ फोर और मोर पीपल, बट जो इसका स्कोप है वो काफी वाइड है, समझे। उसके बाद जो है सेक्शन 144 के देखो यूज और मिसयूज दोनों है भाई, जैसे आफ्सपा के यूज मिसयूज दोनों थे, जैसे हमने कल पढ़ा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उसके भी यूज और मिस यूज दोनों थे, तो इसके भी यूज मिस यूज दोनों है। अगर इसको सही पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसको जो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द डीएम जो है किया जा रहा है तब गलत है। कि डीएम कह रहा है कि भाई मैं दिखाता हूँ कि डीएम की पावर क्या होती है, देख मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे पास कुछ भी हो, मेरे पास क्या है सेक्शन 140, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास बॉडी गार्ड्स है, तुम्हारे पास जो है लठियार है, मेरे पास क्या है सेक्शन 144, मैं सेक्शन 144 लगा के मना कर सकता हूँ कि तुम बैंक में से कोई पैसा नहीं निकलवा सकते, बिकॉज उस पैसे का इस्तेमाल क्योस जो है स्प्रेड कराने के लिए किया जा सकता है। मैं मना कर सकता हूँ कि तुम लठियार नहीं रख सकते, मैं मना कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास लाइसेंस गन है उसको यूज नहीं कर सकते, दैट्स द पावर अंडर सेक्शन 144, ठीक है। तो इसमें जो है मजिस्ट्रेट को जो है अनब्रिडल्ड पावर मिलती है, अनलिमिटेड पावर मिलती है, और इसमें सिर्फ आपके पास रिलीफ क्या है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि वो सेक्शन 144 इंपोज करने का ऑर्डर गलत है, अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइबल है, तो उस केस में जो है अपील आप किसके पास करोगे, डीएम के खिलाफ, और इट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि कोई खुद के केस में जज नहीं होगा, कि मान लीजिए मैंने ही मर्डर किया है और जज भी मैं ही हूं, तो क्या मैं अपने आप को कातिल डिक्लेयर करूंगा, नहीं, मैं तो कंप्लेनेंट को ही कातिल डिक्लेयर कर दूंगा, इजन इट। तो वही डीएम का, डीएम ने ही ऑर्डर किया सेक्शन 144 को इम्पोज करने को, और आप डीएम के पास ही जो है अपील लेके जाओगे तो डीएम क्या कहेगा कि तुम अब हमारे इरादों पे शक कर रहे हो, तुम अब हमारे फैसलों पे शक कर रहे हो, ठीक है। तो इसको जो है प्रोबिट किया जाता है कि इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगा, इसको यहीं पर जो कारावास बना हुआ है यहीं बंद किया जाए, स्टोर रूम में बंद कर दिया जाए इसको, ये डेंजर है पीस एंड ट्रांक्विलिटी को, ये सिटिंग डीएम को हटाना चाहता है ताकि जो है ये क्योस फैला सके, इजन इट। फिर उसके बाद जो है आपके फंडामेंटल राइट्स पे ये इंफ्रिंज होता है, क्योंकि क्या है कि सेक्शन 144 जो है एक्सट्रीम केसेस में लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में लगाना चाहिए, बट ये लगाया कहां, लगाया कैसे जा रहा है, रूटीन मैनर में, कि एक बार सेक्शन 44 नहीं लगाया दिन में तो नींद नहीं आती, दैट इज बेसिकली द रियलिटी ऑफ सेक्शन 144। हर मैटर के लिए लगा दिया जाता है, कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने थे कोई लगा नहीं रहा था तो सेक्शन 144 लगा दिया, और बोले कि उसमें वही है ना कि पीस एंड ट्रांक्विलिटी बनाए रखने के लिए कोई भी एक्ट करने के लिए आपको बोला जा सकता है, तो बोले कि कैमरे लगाओ अपने अपने घरों के सामने, ठीक है। सीरियसली ये रिपोर्ट में लिखा है, ये
जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए डीएम ने सेक्शन 144 लगा दिया। ठीक है, सेक्शन 144 लगा दिया गया कि शराब के ठेकों के पास जो है कोई स्टॉल पे जो है चखना नहीं बेचेगा कि उसे पीस एंड ट्रांक्विलिटी फैक्टर होती है, क्योंकि दारू पिएगा वो, चखना होगा तो ज्यादा पिएगा, ज्यादा पिएगा तो चढ़ जाएगी, फिर वो क्या करेगा, ड्रंक एंड ड्राइव कर सकता है या कोई वैंडलिज्म कर सकता है या आम शरीफ लोगों से पंगा लेगा, तो उससे क्या होगी, पीस खराब होगी। ठीक है, तो सीरियसली दैट्स हाउ द सेक्शन 144 इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, इंटरनेट को बैन कर दिया जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर दिया जाता है। प्रॉब्लम मान लीजिए किसी एक गांव में थी, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बैन कर दिया गया, और वो भी बैन करना चाहिए था मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, चार चार दिन तक बैन कर दिया जाता है, चार चार दिन तक बैन किया जाता है। और लोगों से पूछो कि इंटरनेट के बिना क्या होता है, कि हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, है ना, कि जब तक वो मोबाइल नहीं होगा, फेसबुक नहीं होगा, इंस्टाग्राम नहीं होगा, स्क्रॉल नहीं करेंगे, जब तक नींद नहीं आती। तो अब 4 दिन तक इंटरनेट बैन, तो अब नींद कैसे आए, लोग जो है दूसरे स्टेट में गाड़ी लेके पहुंच रहे हैं ताकि वहां पे इंटरनेट चला सके, थोड़ी आराम थोड़ी शांति मिल सके। इसलिए डेट्स ऑफ सेक्शन 144 इज बीइंग मिसयूज्ड। ठीक है, तो रिपोर्ट ने यही कहा कि 6100 टाइम्स जो है यूज किया गया सेक्शन 144 को दिल्ली दिल्ली में सिर्फ एक साल में, 6100 टाइम्स। ठीक है, और इवन बाम और कफ सिरप को रेगुलेट करने के लिए भी सेक्शन 144 लगा दिया कि कफ सिरप नहीं बेच सकते नशे हो जाते हैं कि उससे फिर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या अगर तो कभी इसलिए तो नहीं बैन किया कि केजरीवाल खांसी बहुत आते कि स्ट्रोक ना खत्म हो जाए कफ सिरप्स का। ठीक है, उसके बाद कई बार स्नूपिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, स्नूपिंग करने के लिए कि जिनके घरों के बाहर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उनको बोला गया कि वो सीसीटीवी कैमरा ऑन रखें, जिनके घर नहीं है उनको बोला गया कि लगवाएं बाय इंपोजिंग सेक्शन 144। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 144 है इट शुड बी यूज फॉर एक्सेप्शनल मैटर्स, बट ये डेली रूटीन में ही यूज किया जा रहा है, डेली रूटीन के मैटर्स सेक्शन 144 के थ्रू ही किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस, कोई एक केस याद रख लेना, एक ये याद रख लेना मधु लिमाया केस 1970। ठीक है, राम मनोहर लोहिया केस 1967 भी याद कर सकते हो क्योंकि ये पॉपुलर फिगर है तो आपको याद रहेगा, राम मनोहर लोहिया के बारे में तो सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये केस याद रखना, मधु लिमाया केस। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सेक्शन 144 जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, अगेन जो है ये जरूर आपके फंडामेंटल राइट्स पे अफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या किस में आता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर सच सेक्शन 144 इज नेसेसरी। ठीक है, क्योंकि आप अपने फंडामेंटल राइट्स जो है इंजॉय नहीं कर पाओगे अगर कोई एरा गैरा नथू गैरा जो है आकर पीस ट्रांक्विलिटी ऑर्डर को जो है डिस्टर्ब कर दे, है ना। अभी आप जो है अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज राइट टू एजुकेशन, है ना। अब यहाँ पे कोई आ जाए या किसी का क्लास में ही जो है सर फिर जाए और आपको जो है मारने पीटने लग जाए, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकने लग जाए, तो क्या आप अपना राइट टू एजुकेशन जो है एक्सरसाइज कर पाओगे, नहीं। तो इसलिए ऑर्डर जरूरी है कि नहीं जरूरी है सोसाइटी में। सो इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज योर फंडामेंटल राइट्स सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर फंडामेंटल राइट्स मे बिकम नेसेसरी थ्रू सेक्शन 144। आई समझ, ठीक है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लेकिन इसका अब्यूज ना हो, इसका अब्यूज ना हो। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड यही है कि सेक्शन 144 का जो है एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में इस्तेमाल हो, रूटीन केसेस में इसका इस्तेमाल ना हो। ठीक है, क्लियर है।